तमाल वर्णम सुधावतार अपार संसार समुद्र सेतु भजा महे भागवतम स्वरूपम जन्म प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूमि मेघुम स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमायण तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदशदस्ती श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग पदवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदशदस्ती श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे सनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को कितना प्रश्न किया था, कितना प्रश्न किया था, छह प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या था, यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ प्रश्न कौन किसको कर रहे हैं, और ये सनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। बोलिए सुत का मतलब क्या होता है, कि जो रथ चलाते हैं सारथी उनको सुत कहते हैं, छोटे जाति के लोग। लेकिन जो प्रश्न कर रहे हैं कौन है, ऋषि मुनि ब्राह्मण है, और एक छोटे जाति व्यक्ति को प्रश्न कर रहे हैं। इसका मतलब है भगवान की भक्ति में कहते जात पात कुछ ना कोई और हरिता भजा सो हरिता, मतलब भगवान की भजन में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, तो जो भजन करता है वही बड़ा। हनुमान जी कौन सा वंश में आए, बंदर है, घर में बंदर घुस जाए ना बोले घर अपवित्र हो गया। लेकिन हनुमान जी को घर घर में हनुमान जी को पूजा हो रही है। सबरी ने कौन सा जाति में जन्म लिया, बोले सबर। भगवान जिनकी झूठा बेर को ठाकुर जी स्वयं खाए, बोले सबरी आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, कहते वैकुंठ में मेरी लक्ष्मिया मेरे को कितने छपान भोग और 36 व्यंजन भोग लगाते हैं, वो आनंद वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं आता जो आनंद तुम्हारी झूठे देर में आई। कहते प्रहलाद महाराज कहते राक्षस कुल में जन्म हो, कहते श्री विभीषण राक्षस कुल में जन्म हो। लेकिन जब भगवान के राम दरबार लगता है, भगवान विभीषण को बराबर आसन में बैठा है, बराबर आसन ठाकुर जी देते हैं। बोले सुग्रीव ने वो भी बंदर कुल में जन्म लिया, काक भूषण ने पक्षी में सबसे चंडाल बताया ये कौवे को, लेकिन काक भूषण ये कौवे है। बोले ग्रीद सबसे निकृष्ट जीव है, पक्षी है, लेकिन भगवान जिसका बहान है, ठाकुर जी की बहान श्री गौरव जी है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं, कहते जय भजन से ही बड़ा अभक्ति ही विचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुला विचार, भगवान भजन में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं बड़े बड़े ऋषि लोग, एक छोटे जाति व्यक्ति को प्रश्न करते हैं। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था, हमने छह प्रश्न किया है। पहला प्रश्न था
आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न था हमें कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न था उनकी अवतार की कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न था भगवान की महिमा जस सुनाओ। और छठवां प्रश्न था भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए कलयुग में ये धर्म कहाँ पर अपना आश्रय लिया है। जब उन्होंने ये प्रश्न की सर्वप्रथम उन्होंने अपना गुरु जी के चरण कमल में वंदना करते हैं। प्रजन प्रवजन तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। अपना गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बोले गुरु जी को क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए कृष्णा उद्धव जी को कहते बोले उद्धव प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनं कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति क्षणथा निष्फलं। मतलब मेरी पूजा करने से पहले पहले गुरु जी की पूजा करके उनकी अनुगत में फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना गुरु पूजा के डायरेक्ट मेरी पूजा करती है फिर उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले बिनो गुरु भाव निधि तारा ए न कोई जो बीरिंची संकर समहो। अगर कोई ब्रह्मा शंकर जी के बराबर कोई हो जाए लेकिन जीवन में सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करे तो यदि ये संसार से पार नहीं हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो गया यात्रा में गए जब अपना गुरु जी श्री ईश्वर गुरु जी से मिले महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल आना आज मेरी गया आना सार्थक हो गया। बोले क्यों? बोले आज मैंने अपना गुरु जी को दर्शन किया। बोले गया यात्रा में आप जिनकी उद्देश्य में आप पिंड प्रदान करते हो तो उसी व्यक्ति का ही कल्याण होता है और किसी का नहीं। लेकिन जीवन में जब किसी शुद्ध भक्तों का दर्शन हो जाए साधु का दर्शन ले तो माँ दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खाने भवबंध पाए। जब शुद्ध भक्तों का दर्शन हो जाए और उनसे भगवत नाम को लेकर भगवान की भजन करना शुरू कर दे वो कहते हैं तुम्हारा दर्शन मात्र कोटि पितृगण करोड़ों पितृपुरुषों का उद्धार हो जाता है। अतएव तीर्थ न है तुम्हार समान। तीर्थ को आप भक्तों को साथ में तीर्थ को बराबर नहीं कर सकते हैं। बोले तीर्थ तीर्थ तुम बोले जो तीर्थ को भी जो तीर्थत्व प्रदान करते हैं बोले कौन है? बोले साधु लोग प्रदान करते हैं। महाप्रभु कहते हैं आज तो मेरी गया ना सार्थकता हो गया आज हमने गुरु जी को दर्शन किया है। इसलिए जैसे भगवान का नाम वैसे अगर भगवान का नाम करोगे तो कुछ फल देगा क्योंकि भगवान का नाम कुछ फल देगा। उदाहरण दिया जैसे गोली है ना अगर अपना हाथ में लो गोली और उसको जोर से मारो क्या होगा? लगे आता है। लेकिन वही गोली को जो बंदूक को अंदर में देकर मारते हैं क्या होता है? वह इस पार से उस पार ले जाते हैं। कहते उसी तरह ये भगवत नाम तो कल्प करू है ये चिंतामणि है अगर वैसे करेंगे वो कुछ ना कुछ फल देगा लेकिन ये दुनिया के फल देगा। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्तों की अनुगत्य से उनसे अगर हरिनाम लेकर ग्रहण करना तो इस पार से उस पार हो जाएगी। मतलब क्या? कहते हमें ये भगवत नाम हमें बोलो तो वृंदावन तक पहुँचा देता है। हमें ठाकुर जी को पास में ये भगवान का नाम हमें पहुँचा देता है। हैं इसलिए कहते पानी में ना एक चिड़िया रहता है पानी में एक चिड़िया रहते हैं और देखना वो डूब करके मछली पकड़ता है लेकिन मछली पकड़ के वो डायरेक्ट नहीं खाएगा उसका एक कला है वो मछली को ऐसे फेंकेगा ऊपर फिर उसको पकड़ेगा फिर खाएगा। उसका ये एक नियम है। एक व्यक्ति ने बैठ कर देख रहा था ये चिड़िया कैसे मछली को पकड़ करके और ऊपर फेंकता है फेंक करके दो बार पकड़ करके फेंकता है
उसने वहां से सीख लिया, सीख करके उसने एक लकड़ी की चाकू बनाया और उस चाकू को वो ऐसे ऊपर फेंकता है और मुंह में पकड़ता है और उसको प्रैक्टिस करते करते इतने बढ़िया प्रैक्टिस कर लिया, अभी उसने एक लोहे की चाकू बनाया है, बना करके उसको एक बिजनेस बना लिया। जहां पर देखते हैं बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए, खूब जोर से बाजा बजाएगा और कुछ लोग एकत्रित हो जाएंगे, फिर वो चाकू को ऊपर में फेंकेगा, फेंक करके उसको मुंह में पकड़ेगा। एक व्यक्ति देख कर बोले, बाप क्या तेरे गुरु जी तेरे को विद्या सिखाया, हाँ तेरे जिसने जिस गुरु ने तेरे को ये विद्या सिखाया, धन्यवाद वो गुरु को। इतने में उसने बोल दिया, थोड़ी हम गुरु जी से सीखा, मैं अपने आप सीख गया। लेकिन उसका गुरु कौन था? वो मछली था, वो मछली था उसका गुरु है। एक व्यक्ति ने कहा, भैया और एक बार दिखा। इतने में उसने किया कि चाकू को जोर से फेंका, फेंक करके जो पकड़ने के लिए गया ना, वो चूक गया और गिर गया, उसका नाक ऊपर और सीधा नाक काट दिया उसका। देखो अभी तक तो उसका विद्या सार्थक था, और क्यों? उसका गुरु जी था वो चिड़िया, अभी तक वो चिड़िया उसने अपमान नहीं किया, अनादर नहीं किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन जब बोला हमने थोड़ी किससे सीखा, हमने तो अपने आप सबके सब सीख लिया, बस ना ही कर दिया। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी सर्वप्रथम अपना गुरु जी के चरण को वंदना करते हैं। वंदना करते हुए फिर उसका उत्तर देते ही बोले, मेरे गुरु जी कौन है? तो साधारण बच्चा मैया का पेट में 9 महीना रहता है, लेकिन मेरे गुरु जी 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। इतने में श्री व्यास देव बोले, बेटा मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? बड़े निकल करके आ जा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले गर्भ में बढ़िया है, यहीं पर बैठ करके भजन हो रहा है, किसका कोई बाधा विपत्ति नहीं, बस यहीं पर बैठ करके प्रभु का भजन करता हूँ। इसलिए ये संसार माया की संसार है, यहाँ पर आ करके जी भगवान को भूल जाता है और यहीं पर बढ़िया जाएगा। शिक्षा देते ही जहाँ पर रह करके तुम्हारी भजन होना बढ़िया, वो स्थान ही बढ़िया है। लेकिन जितने सुंदर से सुंदर जगह क्यों नहीं हो, अगर वहां पर तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही है तो वो स्थान में नहीं रहना चाहिए, भले ही जितने बढ़िया से बढ़िया जगह क्यों नहीं हो। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक पायखाना को अंदर में बैठने भजन करते और जोर जोर से हरिनाम करते थे। हाँ बड़े सिद्ध महात्मा थे, किसने कहा बाबा जी महाराज आप ये पायखाना को अंदर में क्यों भजन कर रहे हो, आपके लिए एक बढ़िया सुंदर घर बना देता हूँ, जरूरत है, यहाँ पर कोई तंग करने नहीं आते हैं, बस यहाँ बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहीं पर बढ़िया भजन हो रहा है। भैया हम और किसी चार की जरूरत नहीं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, लोग बड़े तंग करते थे, वो क्या करते थे, जो मछली का कांटा है ना चारों तरफ में बिछा देते थे, चारों तरफ फेंक देते थे और उसको बीच में बैठ कर भजन करते थे, लोगों को ऐसे लगे कि मछली खाने वाला बाबा है। इसलिए कोई मेरे को तंग नहीं करे और निर्विघ्न में बैठ करके भगवान की भजन होते रहे, ठाकुर जी की भक्ति होते रहे। इसलिए बोले भैया यहीं पर तो बहुत बढ़िया है, हमें डिस्टर्ब मत किया करो। इतने में बोले मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा निकल करके आ जा। बोले प्रभु पिताजी ये संसार ऐसे है, हर जीव जब मातृ गर्भ में रहता है, भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते तो बोले माँ मैया का पेट में आना और नरक में आना बराबर है, क्योंकि पेट में क्या है, टाटी पेशाब खून पी और इतने गर्मी है ना, आज अगर रसगुल्ला खाओ ना, आज अगर हाँ मालपुआ खाओ, कल भिष्टा बन करके निकल आते हैं, इतना गर्मी ये पेट का गर्मी है, इतने गर्मी है। इसलिए लेकिन हर जीव मातृ गर्भ में रहते हुए भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु हमको ये नरक से निकालो। भगवान कहते क्या करोगे बताओ? बोले प्रभु मैं समझ गया ना संसार झूठा है, केवल एक बार मेरे को नरक से निकालो, उठते बैठते सोते तेरे में भजन करूंगा। बोले भूलोगे नहीं? बोले एकदम नहीं भूलूंगा।
भजन करूंगा। बोले अगर भूल जाओगे तो भगवान कहते हैं तेरे को बिना बीच बीच में मैं वार्निंग ही देते रहूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जो एक बाल पक जाए ना, समझना कि फर्स्ट वार्निंग। आप लोग ध्यान देकर देखना, जहाँ बाल पकता है ना कहीं से किसी को भी देख लो, बाल कहीं से कान से पकना शुरू होता, मतलब कान में पहला बेल दे दिया, सावधान। तुमने बताया था ना भजन करोगे, कितने भजन कर रहे हो, कितना सिर्फ टीवी और उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज देखते हो, लेकिन उसका वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। एक बार पक्के उसको उखाड़ देते हैं, तो इतना जल्दी बुरा थोड़ी होगी, हमको बुरा बना रहे हो। अगर दूसरा बाल पक गया, उखाड़, तीसरा, चौथा, अगर खिचड़ी बन गया ना, फिर मेहंदी दिखा अलग लगा देते हैं, कहते अभी हमारे कुछ नहीं हुआ है। बोले दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या? बोले आँख में देखना कम हो जाएगा, फिर बढ़िया चश्मा लगा देना है, हीरो बन के ढूंढते हो। भगवान कहते तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले जो खिलखिला कर हंस रहे हो ना, एक एक कर दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा, सारे दांत तोड़ दूंगा। फिर क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास में बढ़िया दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। बोले फिर तेरे चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो पैर से तीन पैर कर लूंगा, डंडा लेकर चलना पड़ेगा है। फिर भगवान कहते हैं अगर नहीं सुनोगे ना, फिर तो राम नाम सत्य है। कहते ये एक एक वार्निंग है। बोले मैं ये माया से निकलना नहीं चाहता हूँ, बोले मैं माया को हटाता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते हो, जो मायापति कृष्ण ही हटा सकते हैं। फिर कृष्ण आए, माया को हटाया, तो फिर सुखदेव गोस्वामी जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। कहते जम प्रभजन तम अनुपेत मपेत कृत। अभी उनको उपनयन संस्कार भी नहीं हुए और वो संन्यास लेकर जा रहे। पीछे पीछे श्री व्यास देव कह रहे, हा पुत्र तू कहाँ जा रहे हो? प्रतिध्वनि हो रहा था, हा पुत्र मतलब क्या? प्रतिध्वनि कह रहा था कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता, झूठा संसार है, मैं भी कभी आपका बेटा बना हुआ हूँ। हैं? इसलिए कहते मेरे गुरु जी कैसे हैं? बोले सारे लता पता वृक्षों में भी मेरे गुरु जी की सर्वत्र विद्यमान है। जब मेरे गुरु जी की सर्वत्र विद्यमान है, तब गुरु जी मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। और यहाँ पर सोनकाद ऋषियों ने जो प्रश्न की है, जैसे इनका प्रश्न का मैं जैसे उत्तर देता हूँ, उन्होंने सबसे पहले से गुरु जी की चरण की वंदना की, वंदना करते हुए फिर वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तो उन्होंने एक श्लोक को द्वारा उन्होंने इसका उत्तर दिया। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोत्सजी आहाई तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को तभी शांति मिलेगा। बोले कब शांति मिलेगा? बोले तभी शांति मिलेगा जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान की हम भजन करेंगे, तभी जीवन में, तभी ये जीवन में शांति मिलेगा। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए मैं कौन हूँ। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु को दो प्रश्न किया था। उनका पहला प्रश्न था के आमी, मतलब मैं कौन हूँ सबसे पहले। दूसरी प्रश्न था, बोले कोई भी, आप देखना कोई भी व्यक्ति दुख को घर में निमंत्रण में देता है, मेरे घर में दुख का कोई निमंत्रण नहीं देता है, लेकिन ये बगैर निमंत्रण के घर घर में ये दुख क्यों आता है? कोई स्तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से, कोई बॉयफ्रेंड से, कोई पड़ोसी से, कोई मन से, अब देखा संसार में दुखी 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 दुखी, लेकिन कोई निमंत्रण देता है घर में दुर्गा, जब बगैर निमंत्रण के सारे दुख क्यों आता है? इसलिए श्री सनातन गोस्वामी प्रश्न की, तो महाप्रभु इसका उत्तर देते हैं। बोले बेटा जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो जीव है सबके सब भगवान के, हम नित्य दास भगवान की हम सेवक है, संतान है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं मम वांस जीव लोके जीव भूत समान, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। इसलिए अंश होने का नाते जीव का जो कर्तव्य भगवान की भक्ति करना, भजन करना।
लेकिन श्री गोस्वामी जी तुलसीदास बहुत बढ़िया उन्हें उदाहरण दिया है, बोले सो माया बस भय गोसाई बंधी है मरकट कीट न्याय। उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। वो कोई कहता है ना, अरे भजन करने को समय नहीं मिलता है, भजन कैसे करे, हमारा ये इतना रिस्पांसिबिलिटी है, ये करना वो करना वो करना, कितने 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 बाहर। तब उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, उन्होंने दो उदाहरण दिया है। जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बंदर को दिखा दिखा करके एक मिट्टी का जो कलसी मिट्टी मिट्टी में गाड़ देते हैं। अब उसका जो मुंह इतना छोटा होता है, उसका हाथ केवल अंदर में जा सकता है, केवल हाथ ही अंदर में जा सकता है, और गाड़ करके उसको दिखा दिखा कर उसका अंदर में कोई फल नहीं तो कोई आलू उसको अंदर में दे दे, और वो बहेलिया जाकर के आड़ में छुप जाएगा। बंदर ने देख लिया उसको अंदर में आलू नहीं तो कोई फल दिया, इतने में बंदर छलांग लगा कर आएगा, आ करके वो पात्र को अंदर में हाथ को डालेगा, हाथ तो चली जाएगी लेकिन जो हाथ में से पकड़ लेगा ना, हो गया मुट्ठी, जो वो निकलना चाहेगा निकालना चाहेगा वो निकलेगा नहीं, लेकिन उसको ऐसे महसूस होगा जैसे अंदर से किसी ने मेरे हाथ को पकड़ कर रखा और मेरे को छोड़ नहीं रहा है, कोई नहीं छोड़ा कोई नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ कर रखा, लेकिन उसको अनुभूति ये होता है जैसे मेरा हाथ किसी ने अंदर खींच कर रखा। इतने में वो बंदर ना बड़े जोर से चें 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 करना शुरू कर देता है, वो बहेलिया पेड़ का आड़ में छुपा रहता है और रस्सी लेकर के आएगा और उसको बांधेगा गले में, बांध करके ना घर ले जाएगा और डंडा मार कर नाच सिखाएगा और पैसा कमाएगा। दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता। जो बहेलिया तोते पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे एक बनाएगा और ऐसे बनाएगा, जो बांस होता है ना देखना, बांस का अंदर में वो खाली होता है, बांस का अंदर में खाली होता है और उसका अंदर में एक डंडा रहेगा है, और वो ऐसे करके इस यहाँ पर एक फल रख लेगा। इतने में तोता आ करके जो बैठ कर खाना जाए खाने जाएगा, उसका अंदर में एक डंडा ऊपर तो बांस है, पकड़ते ही वो डंडा घूम जाएगा और घूमने पर वो तोता नीचे लटक जाता है, लटक जाने पर उसको ऐसे महसूस होता है मेरे हाथ को किसने पकड़ कर रखा और छोड़ नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं पकड़ा, बस खुद पकड़ा, उसको पकड़ा नहीं कोई, बस खुद पकड़ कर रखा। फिर तो चें 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 करना शुरू कर देता, बहेलिया आता है पकड़ कर बांस लेकर बाजार में बेच देता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी जी, जीव ऐसे ही संसार में बंधे पड़े हुए, हमको लगता है अरे अभी हमारे संसार में ये दायित्व ये दायित्व, ये करना सो करना, इतने सारे दायित्व, अभी तो हमको बहुत सारे काम करना है। बोले भैया भैया तेरे को माया नहीं पकड़ा, तुमने स्वयं माया को पकड़ करके रखे हो, हाँ स्वयं तुम माया को पकड़ कर रखे हो, तुम छोड़ करके उड़ते हुए जा सकते हो, ये माया संसार में छोड़ करके उड़ते हुए जा सकते हो, प्रभु की भक्ति कर सकते हो, लेकिन क्या लगता है जैसे हमें ये माया हमें पकड़ कर रखी छोड़ दी रहे। बोले कोई किसको पकड़ा नहीं, खुद वहां पकड़ के माया को स्वयं बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर श्री महाप्रभु कहते जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यता, जीव का जो स्वरूप है हम सबके सब भगवान की संतान है, फिर क्या करनी चाहिए, फिर उनको भक्ति करो, उनको भक्ति करो, उनको प्रेम करो, हैं उनको प्रेम करो उनको भक्ति करो, तभी तुमको शांति मिलेगी। प्रश्न है हम सबके सब तो भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत सबके सब करते हैं, लेकिन आपको शांति कैसे क्यों नहीं मिल रहा है, कारण है भक्ति कैसे करनी चाहिए, उन्होंने दो उदाहरण दिए। बोले भक्ति करनी चाहिए अहेतु, मतलब भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भगवताद् भक्ति अहेतु। महाप्रभु कहते हैं हे प्रभु आप मेरे प्रभु हो, मैं आपकी संतान हूँ, मेरा कर्तव्य आपकी भक्ति करना सेवा करना हमारी कर्तव्य है, इसलिए हमें ये दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, धन जन पुत्र परिवार किसी चीज की जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर जैसे तुम्हारी सेवा भक्ति हम कर सकते, इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। और दूसरी कैसे बोले अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब होता है
भक्ति तुम्हारी कंटिन्यू होनी चाहिए, है? भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे शहद होता है ना, उसको ऐसे डालो, देखना उसमें धागा उड़ जाता है। कहते भक्ति ऐसे कंटिन्यू होनी चाहिए। आप बोलो।